जिसकी नाम हम भूल जा रहे हैं, भगत सिंह। जब भगत सिंह बचपन में अपने पापा के साथ एक खेत में थे, उस समय उनके पिताजी एक खेत में आम की गुठलियाँ बो रहे थे। उस समय क्या हुआ, भगत सिंह सब वो देख रहे थे, तो भगत सिंह ने कहा पापा जी को कि पापा जी ये क्या कर रहे हो आप। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा ये मैं आम की गुठलियाँ बो रहा हूँ। भगत सिंह ने कहा कि इससे क्या होगा, इससे बेटा आम के पेड़ होंगे और बहुत सारे आम रहेंगे। तो तब भगत सिंह ने उत्तर दिया कि पापा मैं भी इस खेत में बंदूकें बोऊंगा, इससे ढेर सारी बंदूकें होगी और मैं अंग्रेजों को अपने देश से भगा दूँ। आज हमारा देश स्वतंत्र है पूर्ण से, और आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। ऐसे ही वीर सपूतों जिन लोगों ने अपना जीवन निछावर कर दिया हमारे देश के लिए, उनके लिए एक बार सभी प्यार से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। देखो बच्चों, हमेशा प्यार से ही रहना चाहिए, जिंदगी यूं ही नहीं मिलती। वो कहते हैं ना कि लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, और हम जब भी उठेंगे तूफान बन कर उठेंगे, बस उठने की अभी ठान ही नहीं है। अगर तुम ठान लोगे तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, असंभव इस जीवन में कुछ भी नहीं है। मेरी एक खुद की कविता है जो मैं आपको सुनाऊंगा, ये आशा नहीं है जीवन की डगर, जिंदगी जो आप जी रहे हो ना, ये आशा नहीं है जीवन की डगर, आशा है उनके लिए जो जान गए करना सफर। इस सफर में चल वही पाएगा जो मुश्किलों का सामना डटकर कर पाएगा। और जीवन है चलने के लिए, चलते रहो हर पल, जीवन है चलने के लिए, चलते रहो हर पल, वरना मार ले आए कोई और बाजी, देखते रहोगे तुम कल। ये आशा नहीं है जीवन की डगर, आशा है उनके लिए जो जान गए करना सफर। अगर तुम्हें कुछ पाना है, अगर तुम्हें कुछ पाना है, मंजिल पर अपनी जाना है, तो करो संकल्प आज से ही, पल पल अपना लक्ष्य पहले उठाना है, पल पल अपना लक्ष्य पहले उठाना है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।